अब मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की वो अकलमंद लड़कियाँ जो सिर्फ सूरत पे नहीं मरती, जिनको घर और दौलत सब कुछ चाहिए, अब मेरे रिश्ते को रिजेक्ट नहीं करेंगी, बल्कि अब ये फैसला लेंगी कि बाहर तन्हाई में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि पाकिस्तानी एक अच्छी लड़की को अपना लिया जाए। आई एम सॉरी इस्लान, तुमने दिल पे ले ली बात, मैं ताबी से वैसी बात कर रही थी। अरे नहीं यार, इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत, तुमने मुझे एहसास दिलाया और देखो ना आज एक घर का मालिक बन गया हूं मैं, वरना मुझ पे होता तो ये काम मुझसे कभी नहीं हो रहा था। अब अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन सच बताऊं मैं खुश नहीं हूं। मैं तुम्हें मैंने कहा था कि उसका वेलकम करो इतने अच्छे से, कभी जूस कभी बिस्किट कभी पानी कभी कुछ, तुम्हारी खुश अखलाकी देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम तो अभी उसके साथ चल पड़ोगी, और मेरे ख्याल में मामू को भी यही चीज अच्छी लगी होगी। ताबी, ये सब तो मैं उस अजान को जलाने के लिए कर रही थी। अमेरिका जाने से पहले फिट होना चाहती हो क्या? फिट तो मैं पहले से हूँ, और अमेरिका जाना मेरा कोई ख्वाब नहीं है। जाना भी मत, वहां जाके किसी गोरी के बच्चे संभालने पड़ेंगे तुम्हें। तुम अभी तक नहीं भूले? कैसे भूलूंगा भला, सब तो भूल गया, अपना जॉब अपना कैरियर अपना पैशन अपना घर बार, ये याद है तो सिर्फ एक चीज, तुम और सिर्फ तुम। फिर भी देखो चले है, चले है, चले है, चले है, चले है, चले है,